सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार तुहाडा फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी टूडे पंजाब न्यूज़ चैनल ते। मैं हाँ तरसेम सिंह मठाड़ू लैके हाजिर हुए हैं जी अज के दिन दियां सुबह दियां ताज़ा तरीन वड्डियां खबरां। दोस्तों इन्हां खबरां नूं शुरू करन तों पहले एक बार नज़र मारदे हां चोणवीआं खबरां ते। पहली चोणवी खबर है कि सिक्ख्या बोर्ड यूनियन ने पंजाब सरकार नूं दित्ती चेतावनी, कहा नहीं करांगे किताबां दी छपाई, जाणो मामला। यूटर्न, मान सरकार दा एक होर यूटर्न सीएम ने आप कीता सी ऐलान, हुण फैसला वापस लैण दे हुकम। उज्वला योजना, जेकर लैणा चाहुंदे हो मुफ्त गैस सिलंडर अते स्टोव तां इस तरह पीएम उज्वला योजना लई अपने आप नूं करो रजिस्टर। तेज हनेरी ते मीह नाल पक्की झोने दी फसल नुकसानी। बीएसएफ ने बदलिया रीट दा समां, अटारी वाघा ते हुण शाम 6:30 बजे तक होवेगी सैरेमनी। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल दी कीमतां रिकॉर्ड पद्धर ते पुजियां। पीएम मोदी कल करनगे पीएम विश्वकर्मा योजना लांच, जाणो किवें करिए अपलाई। संगरूर न्यूज, अकाली दल नूं वड्डा झटका, बाबू प्रकाश चंद गर्ग अकाली दल डी च होए शामिल, बादल परिवार ने नाराज। हुण इश्तहारां च भीख मंगदे बच्चों नूं विखाउण ते लगेगा 10 लाख दा जुर्माना, सख्त निर्देश जारी। चाहे गर्मी लगे चाहे ठंड, मूँह ढक के दुपहिया वाहन चलाया तो होगी सख्त कार्रवाई। तो दोस्तों ये सीगियां अपनी इस वेले दियां चोणवीआं खबरां। हुण गल करदे हां इन्हां खबरां दी विस्तार नाल। उस तो पहले जिहड़े दोस्त चैनल ते नवे आए ने चैनल नूं सबसक्राइब कर लो जी। तो जे तुसीं अपनी ये वीडियो फेसबुक पेज पर वेख रहे हो तो अपने फेसबुक पेज टूडे पंजाब न्यूज़ नूं भी फॉलो जरूर कर लो। गल करदे हां जी पहली खबर दी कि सिक्ख्या बोर्ड यूनियन ने पंजाब सरकार नूं दित्ती चेतावनी, कहा नहीं करांगे किताबां दी छपाई, जाणो मामला। पंजाब स्कूल सिक्ख्या कर्मचारी एसोसीएशन वालों बोर्ड की वित्तीय हालत सुधारन संबंधी पिछले लंबे समय तो गेट रैलियां, धरने, मुजहारे आदि किए जा रहे हैं। वित्तीय हालत अजे भी ज्यों दी त्यों खड़ी है। सरकार वल किताबां ते प्रीख्या फीसां ते बिल्डिंग के किराए की लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि लैण योग पई है, जिसनों जारी करन विच सरकार आनाकानी कर रही है। इस सितंबर महीने की मुलाजमान तनखा और पेनशन जारी करने भी बोर्ड को लोड़ीदे फंड नहीं ने। इस तो अलावा बोर्ड दियां करोड़ों रुपए दियां होर देनदारियां रुकियां पईआं ने। पंजाब सरकार वल्लों सरकारी अते सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों विच पढ़दे विद्यार्थियों नूं पाठ पुस्तकां मुफ्त वंडियां जांदियां ने ते बोर्ड वल्लों छपवाईआं जांदियां ने। पाठ पुस्तकां दी छपाई, सप्लाई ते आउण वाले खर्चे दी अदायगी पंजाब सरकार वल्लों बोर्ड दफ्तर नूं कीती जांदी है, परंतु पिछले लंबे समय तो यह राशि बोर्ड दफ्तरां नूं प्राप्त नहीं हो रही। समय समय दियां सरकारां मुफ्त किताबां वंड के अपनी वात वाह वाह तक खट लैंदियां ने, परंतु अदायगियां ना होण कारण बोर्ड नूं वित्तीय तौर ते खत्म कर दिता है। पंजाब सरकार दे हुक्म अनुसार 2020 तो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड प्रायमरी अते मिडल की प्रीख्या करवाउंदा आ रहा, परंतु सरकार वल्लों प्रीख्या फीसां दी बणदी लगभग 100 करोड़ रुपए राशि की अदायगी नहीं की गई है। अगली खबर है जी मान सरकार का एक होर यू टर्न, सीएम मान ने आप ही किया ऐलान, हुण फैसला वापस लैण दे हुकम। पटवारियों नूं लैके मान सरकार एक बार मुड़ तो बैकफुट ते आ गई है। यह दावा 1090 बेंच के पटवारियों ने किया है। पंजाब सरकार इन्हां पटवारियों नूं हुण 18 महीनों की ट्रेनिंग करवाउण जा रही है। पहला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अंडर ट्रेनिंग पटवारियों नूं 15 महीनों की ट्रेनिंग तो बाद फील्ड में उतार दिता जाएगा, पर हुण मान सरकार ने दूसरी बार अपना फैसला बदल लिया है। संबंधित विभाग वालों समूह जिले के डिप्टी कमिश्नर एक पत्र लिखा गया, जिस 1090 पटवारियों की ट्रेनिंग मुड़ 18 महीने पूरी करने लैके हुक्म दिए गए ने। इस तो पहला जदों 1090 पटवारियों साल 2022 नियुक्ति पत्र दिते सन तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्टेज तो कहा कि इन्होंने पटवारियों सिर्फ 1 साल की ही ट्रेनिंग दी जाएगी। इस 9 महीने स्कूल ते 3 महीने फील्ड की ट्रेनिंग होगी, पर यह मामला हाईकोर्ट में जाने तो बाद पंजाब सरकार ने अपना फैसला वापस लिया। इन पटवारियों 18 महीने ट्रेनिंग करने के हुक्म दिए सन। इस तो बाद पंजाब च मान सरकार ते पटवारियों विच विवाद हो गया। पटवारियों ने कलम छोड़ ते जाण दा फैसला कीता तां सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया कि 1090 अंडर ट्रेनिंग पटवारियों नूं 15 महीने की ट्रेनिंग दौरान ही फील्ड विच उतारिया जाएगा, पर हुण मान सरकार ने इस तों भी यू टर्न लै लिया है। यह दावा 1090 पटवारियों के बेंच वालों किया गया। याद रहे कि साल 2022 1090 पटवारी भर्ती किए गए सन, जिस इस विच हुण सिर्फ 741 पटवारी ही बचे ने, बाकी माल विभाग छड्ड गए ने।
जेकर लेना चाहते हो मुफ्त गैस सिलंडर ते स्टोव तो इस तरह पीएम उज्ज्वला योजना लई अपने आप नूं करो रजिस्टर। केंद्र की मोदी सरकार औरतों लई कई योजनावां चलाउंदी है। उन्होंने योजनावां विचों एक का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हाल ही च आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अपनी हफ्तावारी बैठक च उज्ज्वला 2.0 स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना तहत केंद्र सरकार औरतों को 75 लाख मुफ्त LPG कनैक्शन दे जा रही है। यह गैस कनैक्शन अगले 3 सालों में औरतों को दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल के इस फैसले तो बाद देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभपात्रियों की गिनती वाढ़ के 10.35 करोड़ हो जाएगी। योजना कदों शुरू की गई सी दस दें जी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोदी सरकार ने साल 2016 में शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य सी कि गरीब और घट आमदन वर्ग दियां औरतां भी LPG सिलंडर का लाभ ले सकन। इस स्कीम तहत पेंडू और शहरी खेतरां विच गरीबी रेखा तो हेठां रह रही औरतों को मुफ्त गैस कनैक्शन मिलता है। तेज हनेरी ते मीह नाल पक्की झोने की फसल नुकसानी। जी हाँ दोस्तों, लागले पिंड शेरों विखे आई तेज हनेरी ते मीह नाल किसानों की पक्की झोने की फसल नुकसानी गई है। इस संबंधी तरसेम सिंह पुत्र धन्ना सिंह पिंड शेरों ने अपनी नुकसानी फसल दिखाते हुए दसिया कि उसने 7 किले 1509 झोना लगाया होया, जिस विचों 4 एकड़ झोने की फसल बिल्कुल पक चुकी सी, जिसनों उसने 2-3 दिन तक ही वढ़ना सी। कल आई तेज हनेरी ते मीह ने इस पक्की फसल नूं टेक दिता, जिस नाल उसकी फसल काफ़ी ज़्यादा नुकसानी गई है, जिस नाल उसकी फसल का केर बहुत घट जाएगा। किसान तरसेम सिंह ने उक्त नुकसानी फसल के मुआवजे की मांग की है। BSF ने बदलिया रिट्रीट का समा, अटारी वाघा तो हुण शाम 6:30 बजे तक होगी सैरेमनी। भारत के पाकिस्तान विचाले रिट्रीट समारोह नूं लैके वड्डी खबर सामने आई है। मौसम च बदलाव कारण अटारी वाघा सरहद ते होने वाली रिट्रीट सैरेमनी का समा बदल दिता गया। हुण रिट्रीट सैरेमनी शाम 5:30 तो 6:30 बजे तक होगी। इस तो पहला यह शाम के 6 बजे तो 6:30 बजे तक हुंदी सी। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड पद्धर ते पुजियां। दोस्तों गल करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की निगरान सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों च वाधा करते हुए इसनों रिकॉर्ड पद्धर ते पहुंचा दिता है। नकदी की भारी किल्लत का सामना कर रहे पाकिस्तान च पेट्रोल और डीजल की कीमत 330 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है, जबकि महंगाई दर पहला ही दोहरे अंकों से पहुंच चुकी है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवराहल वरूल हक कक्कड़ की मंजूरी मिलने तो बाद वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार रात को पेट्रोल की कीमत 26.2 रुपये आते डीजल की कीमत 17.34 रुपये प्रति लीटर वधाउण दा हुक्म जारी किया। इस तो बाद पेट्रोल ते हाई स्पीड डीजल दीआं कीमतां 330 रुपये प्रति लीटर तो वध हो गईआं ने। PM मोदी कल करनगे PM विश्वकर्मा योजना लांच, जाणो किवें करिए अपलाई। इस साल सुतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया। स्कीम 17 सितंबर 2023 लॉन्च की जाएगी। इस योजना का ऐलान केंद्रीय बजट 2023-24 किया गया सी। सरकार इस योजना से 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह खर्चा वित्तीय साल 2027-28 तक रखा गया है। आओ इस स्कीम बारे विस्तार नाल जानते हैं। इस योजना का उद्देश कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम कारीगरों के रवायती हुनर के अभ्यास को उत्साहित करने और मजबूत करने में मदद करेगी। यह कारीगरों को उत्पादों और सेवाओं को सही ढंग से पहुंचाने में मदद करेगी। इस योजना के लाभपात्रियों को 15,000 रुपए की टूल किट मिलेगी। इसके अलावा लाभपात्रियों को हुनर सिखलाई के नाल 500 रुपए प्रति दिन का स्टाइपेंड भी मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश कारीगरों का विकास करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस स्कीम तहत जिथे एक पासे लाभपात्री उन्नत सिखलाई दी जाएगी, उत्थे दूजे पासे लाभपात्री की आर्थिक विकास और आर्थिक सहायता वल भी ध्यान दिता जाएगा। अपलाई कौन कौन कर सकता दस दें जी। इस स्कीम बहुत सारे हुनरमंद कारीगरों को शामिल कर दे, जिमें कि तरखाण, किश्ती बनाने वाले, बंदूक बनाने वाले, लोहार, हथौड़े ते टूल किट बनाने वाले, ताले बनाने वाले, सुनियारे, घुमियार, मूर्तिकार, पत्थर बनाने वाले, पत्थर तोड़न वाले, जो भी इस स्कीम का लाभपात्री होगा उसनों सरकार वालों सर्टिफिकेट ते ID भी मिलेगी। परिवार का सिर्फ एको मैंबर इस स्कीम लई अपलाई कर सकदा है। कारीगरों नूं आत्मनिर्भर बनाने लई सरकार 3 लाख रुपए तक का कर्जा भी देवेगी। यह कर्जा 2 किश्तों में दिता जाएगा। इस कर्जे ते 5% की रियायती ब्याज दर वसूली जाएगी। जेकर तुसी इस स्कीम लई अपलाई करना चाहते तो तुसी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अधिकारित पोर्टल ते जाके अर्जी दे सकते हो। संगरूर न्यूज़, अकाली दल नूं वड्डा झटका। बाबू प्रकाश चंद गर्ग अकाली दल च होए शामिल। बादल परिवार ने नाराज
श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू और साबका मुख्य संसदीय सकत्र बाबू प्रकाश चंद गर्ग ने पार्टी छड़ दी है। वह शनिवार को सुखदेव सिंह ढींसा वालों बनाई गई अकाली दल यूनाइटेड पार्टी में शामिल हो गए। इस संबंधी भवानीगढ़ में एक प्रोग्राम करवाया गया जिथे सुखदेव सिंह ढींसा की अगवाई शामिल हो रहे हैं। वर्णनयोग है कि साल 2012-12 अकाली दल बादल सरकार उस संगरूर तो विधायक बने सन। उस तो बाद उन्होंने सरकार मुख्य संसदीय सकत्र का अहुदा भी दिता गया। पिछलियां चोणों में विनरजीत गोल्डी संगरूर तो टिकट दी गई जिस कारण वह निराश नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान खिलाफ धूरी तो अकाली दल की टिकट से चोण लड़े सन। हुण इश्तहारां च भीख मंगदे बच्चे विखाउण ते लगेगा 10 लाख का जुर्माना। सख्त निर्देश जारी। हुण टीवी ते किसी भी इश्तहार जां प्रचार क्लिप विच बच्चों भीख मंगदे गलत व्यवहार करदे अश्लील ढंग नाल बोलदे नहीं दिखाया जा सकेगा। खपतकार सुरक्षा अथार्टी ने सारे टीवी चैनलों निर्देश जारी कर दिए ने। उन्होंने खपतकार सुरक्षा एक्ट तहत बच्चों संबंधी वख-वख धाराओं की सख्ती नाल पालना करने लिए कहा गया है। इन्हां देशों की उलंघना करने वाले विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी अनुसार खपतकार सुरक्षा एक्ट 2019 के तहत देश भर में झूठे और गुमराहकुन इश्तहारों को रोकने लिए 24 जुलाई 2020 खपतकार सुरक्षा अथॉरिटी का गठन किया गया। महिला ते बाल विकास मंत्रालय ते कई होर सवे सेवी संस्थावां ने फरवरी 2022 विच अथॉरिटी नूं सुझा दिते सन। कहा गया कि बच्चों के संदर्भ में दिखाए जाने वाले इश्तहारां ते दिशा निर्देश जारी किए जाण। इन्हां सुझावां ते हदायतां जारी की गई हैं जिस विच कहा गया है कि टीवी चैनल उत्ते किसी भी इश्तहार विच बच्चों नूं भीख मंगदे नहीं दिखाया जाएगा। अजिहा कोई इश्तहार नहीं दिखाया जाएगा जिस विच कोई भी बच्चा दुरव्यवहार कर रहा है। विशेष भोजन पूरक जां एनर्जी ड्रिंक्स ते इश्तहार दिखा के ऊंचाई जां ऊर्जा वधाउण वर्गे दावे करने वाले इश्तहार नहीं दिखाए जाणगे। अजिहा इश्तहार नहीं दिखा सकते जो उन्हां नूं उत्पाद खरीदण लई उत्साहित करदा। जेकर नहीं लिया तां उन्हां दा मजाक उड़ाया जावे। चाहे गर्मी लगे चाहे ठंड मूंह ढाके दुपहिया वाहन चलाया तो होगी सख्त कार्रवाई। हुणे हुणे एक वड्डी खबर आई है जी। जिला मैजिस्ट्रेट तरनतार संदीप कुमार IAS ने फौजदारी जाबता संगता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारां की वरतों करते हुए जिला तरनतारन की हदूद अंदर पब्लिक वालों दुपहिया वाहन नूं चलाउण समय अपने मूंह उत्ते रुमाल परना जां होर किसे तरह के कपड़े नाल ढाके वाहन चलाउण उत्ते पाबंदी लाउण दे हुक्म जारी कर दिते ने। पाबंदी के हुक्म 5 नवंबर 2023 तक जिला तरन तारण तुरंत लागू होंगे। इस संदर्भ में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि साढ़े ध्यान आया कि जिला तरन तारण पब्लिक वालों मोटरसाइकिल कारा होर गड्डिया मूह उ कपड़ा से रुमाल पाना आदि बन के चलाईया जा रही जिसका फायदा उठा कि गैर समाजिक तत् अपनी पछाण छपाते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां जिमें नशा तस्कर लुट खोह अगवा करना आदि अपराधा अंजाम दे के अपनी पछाण छपा कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी अपन सुबह दिन ताज़ा तरीन व्डिया खबर मैं उम्मीद है कि साढ़े द्वारा दी गई जानकारी तुहानू चंगी लगी होगी। जानकारी वो तो वह शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले दिन दिया नवी खबर इन्ना ही। धन्यवाद। सत श्री अकाल।